और एक और बात वेदिका, और वेदिका तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि पीहू के लिए कितना मुश्किल होने वाला है जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका बाप हूं जो 5 साल तक उसके साथ नहीं था, कि उसके माँ बाप उसके साथ नहीं रहते दूसरे बच्चों की तरह। 5 साल हम उसे मिल नहीं पाए एक साथ एज पेरेंट्स, सोच सकती हो कितना मुश्किल होगा ये। राम, ये मेरी नहीं प्रिया की गलती है। पीहू मेरी बेटी है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेकर प्रिया की है उतनी मेरी भी है। Don't you ever forget that. और मॉम, आप, मुझे लगा था आप इस बात को समझ चुकी हैं। I didn't expect you to do this. या आप इसका हिस्सा बनेंगी, ये गलत है मॉम। मैं समझती हूँ राम, मैं समझती हूँ, लेकिन जब बात प्रिया की आती है ना, मैं भरोसा नहीं कर सकती राम। एक 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 डर सा लगा रहता है। हाँ, शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जब बात प्रिया की आती है, मैं कुछ और सोच ही नहीं सकती। पर अब आपको सोचना पड़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, प्रिया से माफी भी मांगनी पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो प्रिया, आई एम सॉरी। तुम दोनों ने सुना नहीं राम ने क्या कहा? सॉरी सॉरी। ये मेरी नींद की गोलियां जो डॉक्टर ने मेरे लिए प्रिस्क्राइब की थी, और ये राम का ड्रिंक। अब ये ड्रिंक तुम राम को पिलाओगी, जिसकी वजह से राम बिल्कुल गहरी नींद में चला जाएगा, और तब तब तुम प्रिया के कपड़े पहनकर पीहू को लेकर यहां से भाग जाओगी, और कल सुबह जब राम उठेगा तो वो पीहू को यहां पर नहीं देखेगा, और तब उसे रियलाइज होगा कि जो हम कह रहे थे वो सही है, वो गलत है, उसे सोल कस्टडी लेनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी गलती तो प्रिया ने की, मुझसे दुश्मनी मोल की। पीहू, देखो मैंने आपके लिए और मिस्टर कपूर के लिए मफिन्स बनाए हैं। हाँ, उसके बाद में खाओगे, पहले मुझे प्रैक्टिस करनी दो। प्रैक्टिस? हाँ, ये मैं आपके मुंह में थ्रो करूंगी। हाँ करो, आ करो आ। अरे एक मिनट, नहीं नहीं, गले में अटक जाता है पीहू। नहीं ठीक है, आ करो। पीहू ये सब नहीं करना, मैंने मना किया ना। नहीं पीहू, गले में अटक जाता है। आ करो आ करो। पीहू नो, ऐसे नहीं कर। ये मैं चैंपियन हूँ, ये क्या हुआ महसूस? पानी पानी। जी रुको, ये मुझे दे दो। और मैम, सर ने सामने ही मुझे कहा है उसे अब नींबू पानी नहीं, ये चाहिए, ये जाके उसे दे दो। ठीक सर, सॉरी सॉरी सर। तरुण को नींबू पानी बोला था, ये ड्रिंक ले आया। ये मेरे लिए? नहीं, ये मेरे लिए है ये। अरे नहीं 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 नहीं, अरे दीजिए ना मिस्टर कपूर। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम, अरे नहीं, मुझे चाहिए। अरे नहीं, अरे कॉपीकैट। अरे क्या कर रहा है तू, क्या सोचेगी यार? क्या सोचेगी, पीहू को ऑलरेडी पता है कि आप कॉपीकैट हो। कॉपीकैट। आई कांट हैंडल दिस, आई नीड अ सिप ऑफ दिस। जो भी है ये मैम। एक मिनट, मेरे ड्रिंक पीने की हिम्मत कैसे? ओह मैन, अब ना पूरी बोतल पीऊंगा तो भी नहीं चढ़ेगी।
थकावट कितनी भारी है, बस पूरा टाइम खाती रहती है। कोई नहीं है, कहाँ गए दोनों? चुड़ैल, मेरे बच्चे को लेके भागने की कोशिश कर रही थी तू, मार मार के भड़ता बना दूंगी। रुक, यहाँ भाग रही है? कर रही हो तू? यही डिसाइड आई गॉड, किसका भूत आ गया प्रिया में आज? गुस्से में भी कभी इतनी डेंजरस नहीं लगी। गॉड प्लीज हेल्प मी। पूरा घर देख लिया, प्रिया और पीहू कहीं नहीं है, गए कहां हैं दोनों? तो पीहू का क्लिप है, इसका मतलब वो यहीं थे। प्रिया का फोन है, कहां दोनों? टायर के निशान, मतलब कुछ हुआ है? क्या हुआ हो सकता? कौन है यार? इन्हें मत मारो, ये हमारे मिस्टर गाड़ू से, ये विलन नहीं है, आपको इन्हें नहीं मारना चाहिए। विलन नहीं है तो फिर आधी रात को तुम्हें लेकर क्यों भाग रहे थे ये? क्या 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 कह रही हो तुम? मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए आया था, तुम लोग रूम में नहीं थे, मैं डर गया था। तुम मैं यहाँ देखा मैं सुधी डर गए थे, ये कुछ बॉय है, हम ये डंडा दो। हाँ पर कुछ तो हुआ है अभी, मैंने किसी को मारा है। मारा है? उस डंडे से तुमने किसी को मारा? हाँ। किसको? वो याद नहीं आ रहा, पर मैंने किसी को तो मारा है, कुछ तो हुआ है। किसको मारा है? किसको मारा है? आपके एप्पल जूस ने किया ये सब। मम्मा भी मुझे बाहर लेके आ गए। तुम लेके आई? हाँ, जब मैं उठी तो मम्मा डंडा लेके खड़े थे, किसी को ढूंढ रहे थे। अरे क्यों बुलाया तुमने अपनी मम्मा को? मेरा एप्पल जूस देखो ना, क्या से क्या हो गया इन्हें अब? सॉरी। आपको पता है इसे स्टार्स बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे ज्यादा अपने रॉक स्टार। Anyway, good night. बिल्कुल मेरा वाला, मतलब आपका जो डॉक्टर है मुझे नहीं पता क्योंकि आपने बताया नहीं है, बट मैं फोर्स नहीं करूंगा। मुझे आपको बताना था कि आप मेरी रॉकस्टार हैं। मैंने मम्मा को बताया था मेरे रॉकस्टार ना मेरे पापा है। अच्छी, पर मुझे लगता है आप ही मेरे रॉकस्टार हो। संभाल के संभाल के वेदिका, मैंने तुम्हें पीहू को उठाकर लेकर जाने को कहा था ना, फिर तुम गार्डन में कैसे पहुंची, वो भी बेहोश? आंटी वैसा ही हो रहा था जैसा आपने मुझे कहा था, प्रिया सो रही थी और मैं पीहू को उठाकर बाहर भी लेकर गई, लेकिन जब मैं उसे कार की डिक्की में डालने लगी तो पता नहीं किसी ने मुझ पर अटैक किया। क्या, किसने? मुझे मारने के बाद प्रिया मेरे पीछे भागी चिल्लाती हुई, पता नहीं इतने गुस्से में मैंने उसे कभी नहीं देखा, कह रही थी कि मैं यही डिजर्व करती हूँ। वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी। मुझे एक बात बताओ, पीहू ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? पता नहीं, क्योंकि जब मैं गिरी तब तक पीहू उठी थी या आई रियली डोंट नो। क्या हुआ, प्रिया ने शराब पी थी क्या? हाँ आई थिंक शराब के नशे में ये सब किया होगा उसने। फिर तो उसे कुछ याद ही नहीं होगा। आई होप सो। होप करना काफी नहीं होगा, ये बात पीहू से रिलेटेड है और प्रिया ये बात बिल्कुल नहीं भूलेगी। हमें कुछ ना कुछ करके उसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डोंट वरी, वो मैं कर लूंगी। तुम दोनों ने पीहू को बता दिया कि तुम उसके? नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि
प्रिया इतनी देर क्यों लगा रही है पीहू को सच बताने में? राम कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिया उसे सच बताना नहीं चाहती? नहीं ऐसा नहीं, हम बताना चाह रहे थे लेकिन हम वो पीहू ने प्रिया को मेरी विस्की की ग्लास गलती से पिला दी। इसका मतलब है कि उसे सच में होश नहीं था? आपको बताया आपने कल रात को क्या क्या किया है? नहीं मुझे नहीं याद, बताओ ना मैंने क्या किया, बताओ मुझे प्लीज। आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर खरूस की गलती है। उनकी गलती? हाँ उन्होंने मुझे बोला एप्पल जूस पी रहा हूँ और वो मैंने आपको पिला दिया कड़वा सा। पर लिटल लिटल मेरी भी गलती है, मुझे आप पर वो पीनट्स थ्रो नहीं करने चाहिए थे। इसका मतलब कल रात को मैंने पी ली थी इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। मिसुत को बताओ मिस्टर खरोस ने क्या क्या किया, अब तो मैं उन्हें और लाइक करती हूँ। मम्मा एक बात पूछूं? हाँ पूछो, पर उससे पहले मैं पूछूं? हाँ पूछो पूछो। मैंने कल किसी को मारा था क्या? आप बोलते रहे थे मार डालोगी छोड़ोगी नहीं। अच्छा पर कौन था वहाँ, मैं किसे बोल रही थी ऐसे? कोई नहीं, आप बस खाली ट्रेन देख रहे थे। अच्छा से बालों से ना कवर कर दो। गुड। सुनो वेदिका, आज जो हुआ है ना उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे याद आ गया तो? तुम बार बार वही बात क्यों दोहरा रही हो? हाँ लिसन टू मी वेदिका, अपना मुंह बंद रखो और अगले एक घंटे तक प्रिया के सामने मत आना। हम वैसे भी यहाँ से जा रहे हैं आज, तुम भी जाओ, उसके बाद क्या करना है वो मैं देख लूंगी। Understood? ये देखो राम, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज अब हम सीधे फोन में देख सकते हैं। Mom, it's the security app. तुम्हें पता था इस बारे में? Of course. I mean, तरुण को भी पता है, शुभम बताया। हाँ मॉम। हाँ ओके ओके। देखो मुझे लगता है कि हमें ये इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि अब पीहू भी है घर में तो उसके मैं वीडियोस बना सकती हूँ, मेमोरीज हो जाएंगी ना, है ना? Yeah. ये क्या है? क्या? ये कब हुआ? कल जो कुछ भी हुआ है वो रिकॉर्ड तो हुआ होगा ना, आप प्लीज जाइए एक बार जाकर देखिए। जी मैं। शुभो ये क्या है? विसर्जन वाली रात की बात है, प्रिया पीहू को लेके लेके जा रही थी यहाँ से। नहीं आई हैव टू, मैं बात करता हूँ मैं प्रिया से, नीड टू गेट टू, समझना पड़ेगा मुझे। मम भाई तो गुस्सा भी नहीं हुआ, कंफ्यूज तो हो गया ना बस, उसके दिमाग में मुझे शक डालना था जो मैंने डाल दिया। अब धीरे धीरे दीमक की तरह वो काम करेगा और वो शक राम और प्रिया के रिश्ते को ऐसे खत्म करेगा जैसे कि उनके बीच में कभी कुछ था ही नहीं। नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? फुटेज कहाँ गया? सॉरी मैं पता नहीं कब और कैसे डिलीट हो गया। कब और कैसे डिलीट हो गया? कहीं आपने तो नहीं किया? झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे कोई भी आएगा आपको बोलेगा फुटेज डिलीट करो, आप कर देंगे क्या? बताइए, करिए ना, करिए डिलीट। क्या डिलीट करो? क्या डिलीट करो? रात का फुटेज? एक्चुअली कुछ हुआ था कल रात को जो डिलीट हो गया। पता है कल रात क्या हुआ था? तुमने शराब पी थी, तुम नशे में थी और चीजें इमेजिन करी थी जो अब भी करी। अच्छा अगर मैं इमेजिन करी थी तो किसी ने आगे फुटेज डिलीट क्यों कर दिया, आप बताइए। मुझे नहीं पता तुम किस फुटेज की बात कर रहे हो, मुझे सिर्फ इस फुटेज का सच जानना है। मेरी बेटी को लेके भाग रही थी। मिस्टर कपूर मुझे लगा कि आप उसकी सोल कस्टडी के लिए फाइल करने वाले हैं, आप
आप उसे मुझसे छीन लेंगे। तुमने सोचा कि एक गीठी को उसके भाग से दूर कर देती हो, भाग जाती हो यहाँ से? कपूर, मैं जानती मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं दोबारा आपके साथ वो नहीं कर सकती जो मैंने 5 साल पहले किया था। मैं चाहती हूँ कि पीहू आपके पास रहे, आपके साथ रहे, उसे आपका प्यार मिले, क्योंकि आप उसके पापा हैं, वो आपकी बेटी है, आप दोनों का हक है एक दूसरे पर। पीहू, पीहू कहाँ गई? पीहू, पीहू थी यहाँ? हाँ, और उसने ये कहते हुए सुन लिया कि वो राम की बेटी है। क्या कर दिया तुम दोनों ने? मम, पीहू कहाँ है? कहाँ है मतलब? अंदर घर में होगी ना, गई यहाँ से? नहीं भाई, मैं हॉल में ही बैठा था, वो नहीं आई वहाँ पे। अंदर नहीं है तो फिर कहाँ चली गई? प्रिया प्रिया काम डाउन, वो शायद शुभू ने मिस कर दिया होगा उसे, वो अंदर ही होगी, तुम जाकर देखो। हाँ। मैं जा रहा हूँ पीहू को ढूंढने, अगर आपको कुछ पता चले उसके बारे में, जस्ट कॉल मी, आई हैव योर फोन विद मी। हाँ, तुम जाओ, तुम जाओ। थैंक गॉड, अब भाई और प्रिया पीहू को ढूंढने में लगे रहेंगे और वेदिका के कल रात के कारनामे के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। ये वेदिका यहाँ से निकली कि नहीं? निकल ही रही होगी, मैंने बैक गेट खोल दिया उसके लिए। क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही थी? मैं अपने घर जा रही हूँ प्रिया, पर तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी कहाँ है मतलब? तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी बेटी है, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? ड्रामा बंद करो वेदिका, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने कुछ किया, जरूर तुम्हारी कोई नई चाल है, इसलिए दबे पाँव यहाँ पीछे से भाग रही थी ना, पीछे की डोर से। बोलो, क्या बोल रही हो प्रिया? तुम्हारा दिमाग घूम गया क्या? सर पे कोई चोट लगी है क्या? आउच, प्रिया। तुम ही थी ना कल, वो तुम ही थी ना जिसे मैंने मारा था? क्या क्या बोले जा रही हो प्रिया तुम? कल मारा था रात को क्या? ड्रामा बंद करो वेदिका, सच सच बताओ मेरी बेटी पीहू कहाँ है? प्रिया तुम्हारा ना सच में दिमाग खराब हो गया, मुझे क्या पता पीहू कहाँ है? तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी मैं, पीहू को गायब किया ना तुमने। रुको। हेलो प्रिया, सुनो मेरी बात, बाहर आओ। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्रिया मैंने कहा ना अभी के अभी बाहर आओ। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। मिस्टर कपूर, ये यहाँ मिस्टर कपूर, वो हमें मिल जाएगी, पीहू मिल जाएगी हमें। ओके या उसे कहीं कुछ कुछ नहीं होगा उसे। अरे वो हमारी बेटी है, वो बहुत समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा, वो हमें मिल जाएगी। आप घबराइए मत, ओके? वो ऐसे जाके बच्ची है यार, वो बच्ची। हाँ वो बच्ची है मिस्टर कपूर, उसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच पता चला है, आपके बारे में पता चला है, उसके नजरिए से सोचिए ना, वो बेचारी डर गई होगी। कहाँ गई होगी यार प्रिया, मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता चलता, तुम जानती हो, दिस इज द फैक्ट। मैं नहीं जानता उसे जितने अच्छी तरीके से तुम उसे जानती हो, तुमने सारा वक्त उसके साथ बिताया, तुम्हें पता होगा कहाँ गई है वो। मैंने उसके साथ सारा वक्त जरूर बिताया है, लेकिन वो आपकी परछाई है, वो हर वो चीज करती है, वो हर चीज वैसे सोचती है जैसे आप सोचते हैं मिस्टर कपूर। तो आप बताइए, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, आप कहाँ जाते, आप बताइए। मुझे मेरे मम्मा पापा चाहिए, अलग अलग नहीं, साथ में। पीहू,
पीहू बच्चे पीहू क्या हैंडसम किस साथ जा रहे हो मुझे मुझे ढूंढना मत मैं आपसे गुस्सा हूं आपकी बेटी पीहू इसका मतलब पीहू कृष्ण के साथ गई कृष्ण ने हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा हमें हमें जाना चाहिए कृष्ण के घर पीहू से मिलना है मुझे पीहू कृष्ण के घर पर नहीं होगी नहीं होगी मतलब उसके साथ गई है उसके साथ गई है पर मुझे पता है कृष्ण उसे कहां लेकर गया होगा योर शॉप पीहू यही है हाँ माँ पीहू कहाँ है वो आते ही सीधा रूम में जाके रूम बंद करके बैठ गए वो रूम में अकेली है नो सर एक्चुअली कृष्ण है उसके साथ वो सिर्फ कृष्ण से ही बात कर रही है अभी तो पीहू बच्चे सुनवा बाहर है प्लीज दरवाजा खोलो ना नहीं पीहू हम फाइट नहीं कर रहे देखो हम यहाँ है दोनों आपके लिए यहाँ हम साथ में प्लीज बाहर आ जाओ लायर्स आप दोनों झूठ बोल रहे हो पर मैं भी बुद्धू नहीं हूँ मैंने मूवीज में देखा है जो मम्मा पापा इतनी फाइटिंग करते वो साथ में नहीं रहते मैं कभी मम्मा के पास कभी पापा के पास ऐसा नहीं रहना चाहती पीहू आप गलत समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा प्लीज बाहर आ जाओ ना पीहू बेटा अब मेरी बात सुनो एक काम करते हैं उनको ना अंदर बुलाकर आराम से बैठकर बात करते हैं जैसे बड़े होते हैं ना समझदार लोग हमारी पीहू भी तो समझदार है नहीं क्यों अच्छा बेटा मैं ना मैं बाहर जाकर ना एक सोल्यूशन निकालता हूँ लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप अंदर से दरवाजा बंद नहीं करोगे ओके आप प्रॉमिस करो वो दोनों अंदर नहीं आएंगे अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नहीं आएंगे ठीक है गुड गर्ल पीहू मुझे अंदर पी डोंट उसको अभी तुम दोनों से मिलना नहीं चाहती है राम देखो अभी पीहू इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि वो तुम्हारी बात समझे इसलिए तुम्हें समझना होगा कि अगर तुमने उसको बात करने के लिए फोर्स किया तो बहुत गलत हो जाएगा बहुत बड़ी बात है उसके लिए जो कुछ भी हो वो प्रोसेस कर रही है अभी तक मुझे लगता है हमें पीहू को थोड़ा वक्त देना चाहिए सारे इज कम्प्लीटली राइट देखो क्या है कि तुम लोगों को पेशेंस रखने पड़ेंगे क्या है कि उससे मैंने प्रॉमिस लिया है कि अंदर से डोर लॉक ना करे सिर्फ इसी कंडीशन पर कि तुम दोनों उसको बात करने के लिए फोर्स ना करो तुम्हें कैसे पता था कि वो कपूर मेंशन में है और तुमने हमें ये बात इन्फॉर्म क्यों नहीं की एक्चुअली पीहू ने ही मुझे कॉल करके वहां बुलाया था वो इतनी घबराई हुई थी कि उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं तुम दोनों को फोन करके कुछ ना बताऊं लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम लोगों ने ऐसा होने कैसे दिया यार तुम लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि क्या गुजर रही है उसके ऊपर क्या फील कर रही है इस वक्त वो लेटर तुमने लिखवाया था ना पीहू से हमारे लिए हाँ वो उसको पता था कि तुम लोग उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच जाओगे तो मैंने ही उसको कन्विंस किया था वो लेटर लिख के रखते ताकि तुम लोग ढूंढते हुए उसको यहाँ आ जाओ एनीवे मैं चलता हूँ मुझे कुछ काम है कुछ बात हो तो मुझे कॉल कर लेना थैंक गॉड हम हमारे घर वापस आ गए उफ, उस रिजॉर्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब पीछे छोड़ के हम यहाँ आ गए And you know what? Thank God, मैंने पीहू को यूज किया वरना मैं ये सब कुछ कर ही नहीं पाती तरुण मेरा जूस लेकर आओ I don't get it, mom. वेदिका का मैसेज आने के बाद भी आप इतनी चिल्ड आउट कैसे हो प्रिया को पता है कि वेदिका ने क्या किया उसने भाई को बता दिया तो शुभू और तुम्हें क्या लगता है ये बात मैं नहीं जानती जानती है तो आपको प्लान से ज्यादा जूस की कैसे पड़ी है क्योंकि मेरे पास पहले से दूसरा प्लान है शुभू वो प्लान जो पिछले 5 सालों से जहर की तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं राम को दे रही हूं
मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे मेरी मम्मी पापा दोनों चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए मुझे। अभी को जो चाहिए होगा वो पीहू लेकर ही रहेगी गन्नू जी से। प्लीज गन्नू जी, ये सब करने में मेरी हेल्प करना। रिया, पीहू माँ के साथ मंदिर गई। इसका मतलब वो अभी नाराज है हमसे? वो एक्चुअली नाराज से ज्यादा कंफ्यूज है राम, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल है। हाँ, पर उनका जवाब मैं दूंगी ना। मैं भी दूंगा। हाँ, लेकिन जवाब तब दे पाएंगे ना जब वो तुम दोनों से बात करेगी। फिलहाल तो वो तुम दोनों के सामने तक नहीं आना चाहती। हम उसे कैसे समझाएं कि वो गलत समझ रही है? वो क्या गलत समझ रही है प्रिया? तुमने उसे कुछ समझाया था जो वो नहीं समझी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.